नमस्कार। प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय संस्थाओं की एक बड़ी भूमिका है। शहरी क्षेत्र के समग्र विकास में और देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में इनकी निर्णायक भूमिका होती है। कोरोना महामारी के दौरान भी स्थानीय निकाय की ताकत को हम लोगों ने पहचाना है। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय से चुने गए हमारे पार्षद, चेयरमैन, महापौर, इन लोगों ने बहुत सराहनीय कार्य किया था निगरानी समिति के साथ जुड़ करके। प्रत्येक वार्ड में पार्षद की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनी है, जिनमें आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ENM, राजस्व के कर्मी, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। नगर निगम और स्थानीय निकाय के कर्मी सभी उसके साथ जुड़े हुए हैं। मेरी आज अपने सभी पार्षदों से एक अपील होगी, कोरोना यह वैश्विक महामारी है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इस महामारी से लड़ने के लिए जिस प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उसमें हम सबकी भी सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि मानवता को बचाने की एक लड़ाई है। और इसमें मेरी अपील होगी, प्रत्येक पार्षद निगरानी समिति के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि उनके वार्ड में, किसी भी मोहल्ले में एक भी व्यक्ति जो पात्रता की श्रेणी में आता है ऐसा ना रहे जिसने वैक्सीन न ली हो। जिन्होंने पहली डोज नहीं ली उन्हें पहली डोज दें, जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली उन्हें दूसरी डोज दिलवाने में अपना योगदान दें, जिन्होंने दोनों डोज ले ली हैं लेकिन वह सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें अगर बूस्टर डोज की आवश्यकता तो उन्हें बूस्टर डोज उपलब्ध करवाएं। हेल्थ वर्कर होंगे आपके यहाँ, कोरोना वॉरियर्स होंगे, उन सबको बूस्टर डोज उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दें। 15 से 18 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को अगले एक सप्ताह के अंदर हम वैक्सीन उपलब्ध करवा दें, यह एक बहुत बड़ा कार्य होगा। कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में हम सबकी बड़ी भूमिका होगी। मेरी आप सभी पार्षदों से अपील है कि वे अपने अपने वार्डों को कोविड मुक्त रखने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, इसको अपने अपने वार्ड में हम लागू करने में अपना योगदान दें। आप सबके इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।